कहा है सुना है वो एक बात है, और लोग भी गुरु महाराज के उद्देश्य को उनकी वाणी को पढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे, उनके उद्देश्य को पढ़ते रहेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, ध्यान भजन करने की, ध्यान भजन करने की प्रेरणा मिलती है सत्संग से। इसीलिए हम लोग गुरु महाराज ने कहा नित्य कपि सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सर तुम्हारे सभी कार्य से जुड़ जाएगा नित्य प्रति सत्संग कर। और नित्य प्रति सत्संग सत्संग सामूहिक रूप से करने की अगर सुविधा सबको नहीं दी हो नहीं कर सकते हैं। कई बार जब जब आए तो स्वयं को यहाँ पाए अधिक अधिक समय हम तो सब सारा तो अपने कर लेंगे परिवार सहित स्थिति के माता का भी सहन का भी नियम के सत्संग करते रहते हैं और भी वहीं से सुनते हैं अपने कमरे से। इससे होना चाहिए अकेले में नहीं केवल अपने हैं सत्संग नहीं कोई है साथ फिर भी अपनी प्रार्थना कर लेंगे सब लोग नारी का पाठ कर लेंगे उपदेश का पाठ कर लेंगे तो सत्संग हो जाए सत्संग हो जाए अकेले में भी सत्संग ऐसा करना चाहिए। सत्संग ध्यान सत्संग से ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है सत्संग छूटने पर ध्यान करने में सिद्धता है सत्संग ही आधार है। इसी जन्मों के जन्मों ने समास रूप में हम लोग को दे जाएगी दो काम करना है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न तो ये दोनों काम को समग्रता के साथ करते और एक किताब विचार चोरी नशा हिंसा पाप कर्म से न रहो पाप कर्म को जागे हुए रहो इतनी ही बात को हम धारण करने ठीक ठीक सत्संग और ध्यान करके रहें पाप कर्म से बच करके रहें इतनी ही बात को अगर हमारे में धारण कर लें बहुत बड़ा काम हो जाए। इस शरीर छूटने पर अन्य शरीर में जाने से महाराज कहते थे कि जो सत्संग ध्यान में रखते रहेंगे आप कब ज्यादा रखेंगे सत्संग ध्यान या कृपा करते रहेंगे उनको शरीर छूटने पर ही अन्य शरीर में जाने से अन्य शरीर में उसको जाना नहीं नहीं तो अपना कोई अख्तियार नहीं शरीर छूटे तो हम फिर इसी शरीर में आ जाए तो जैसे कैदी लोग क्या हाथ में हाथ कड़ी लगी रहती है वह चाहे कि हम जेल में नहीं जाए तो क्या यह हो सकता है सिपाही जेल में नहीं और यह भी कहे कि इसी तरह नहीं जाएंगे दूसरे जेल उसको भी दे जहाँ उसको भी जाएगी वहाँ ठीक उसी लेकिन सत्संग और ध्यान जो करते रहेंगे उनको निश्चित रूप से मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर जब मिल गया तो समझिए पूंजी बच गई पूंजी माता की भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर पूंजी है पूंजी लाया मूल गवाया प्रेम नगर का अंदर पाया जब आ गई संसार में जो तुम आया परमात्मा ने तुम्हें पूंजी थी कौन पूंजी मनुष्य का से मनुष्य शरीर पाकर के अगर ध्यान भजन किया तो बहुत अच्छी बात नहीं किया तो मूल गवाए मूल गवा दिए कोई आदमी के पास पूंजी है पूंजी हार जाए जैसे जुआ लेके तो वो मूल पर कारोबार कर सकेगा अगर पूंजी बच जाए
जिससे ब्याज लगाने वाले लोग ब्याज पर रुपया लगाते हैं, उनको ब्याज नहीं भी मिले पूंजी भी अगर वापस हो जाए। एक शब्द के बारे में है कि मूल बदले तो 100 होना चाहिए, वापस आ रहा है उससे का मूल रकम वापस हो जाए तो मूल बदले तो 100 होना चाहिए। तो मूल ये सही रूप पूंजी मिल जाए, फिर अभी जो हम लोग को मनुष्य का सही प्राप्त है यह सही फिर प्राप्त हो जाए जब काम तभी होगा। नियम तो वह सफल ध्यान करते रहेंगे जहाँ तक कर सके अपने को पाप पहुँचे इस सोच रहेंगे। माता जी से हम लोग रोज पाप करते हैं सत्तर मीटर ध्यान में रहिए पर सोलन लो विचार चोरी नशा है श्री सद्गुरु महाराज की जय।